नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र को सिंह कबीरदास के पद कराने जा रहा हूँ। क्या लेना? हमने तो एक एक करी जाना। अभी कहता है कि हमने तो केवल ईश्वर का एक ही रूप देखा है, हर जगह भगवान एक ही है। दो ही कहे थे नहीं न दो न तीन जान माही पहचान। जो व्यक्ति दो कहते हैं वो प्रभु के बारे में नहीं जानते, यानी उसके सत्य के बारे में नहीं जानते। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। हमारे सभी के अंदर एक ही पवन है, एक ही ज्योति। हमारा शरीर पांच तत्वों के मेल से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। एक ही खाप गड़े सब आगे, एक ही कोरा सादा, यानी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। जिस प्रकार कुम्हार अपने बर्तन एक ही मिट्टी के बनाते, उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक ही मिट्टी का बना हुआ। जैसे माटी काष्ठ काटे नहीं काटे कोई, यानी बड़े जो है खाती, जैसे खाती होता है जो लकड़ी लकड़ी काटने वाला, और लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर जो अग्नि विद्यमान उसको नहीं काटे सकता। उसी प्रकार हम व्यक्ति को तो नष्ट कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर जो आत्मा होती है उसको नष्ट नहीं कर सकते। एक ही घटी अंतरिक्ष व्यापक है, सोई यानी तरह तरह के रूप कर तू एक ही अंतरिक्ष उसमें वास करता है, सभी में तेरा ही वास है। माया देखी के जगत को बाना काहे नगर बाना, यानी माया के वश में तो कर रहे मानव जो गवन करता है। निर्भय भया कुछ नहीं बावे कह कबीर दीवाना, यानी निर्भय होकर उस पर भूखा भजन कर, यही कबीरदास जी कहना चाहते हैं। यानी दीवानों की बात है, उस भगवान का अस्तित्व को स्वीकार कर क्योंकि वो प्रकरण में समाया हुआ। नेक्स्ट है, पीपल पात्र पूजन लागे तीर्थ करो बराना। लोग तरह तरह के लोग करते हैं, यानी पीपल की पूजा करते हैं, तीर्थ करते हैं, और उस पर भी तीर्थ करने पर भी कमेंट करते हैं, यानी अहंकार करते हैं। तो भी पहले माला पहने छापे तिलक लगवाना, यानी तो भी पहले हुए आपने देखे हुए धार्मिक सत्र में छापे तिलक लगवाना, यानी छापे लगा लेते हैं मास्टर पर, तिलक लगा लेते हैं। ऐसे तरह तरह के लोग घूमते रहते हैं। साकी शब्दी गावत मूले आत्म कबीर ने जाना। साकी शब्द सुबह सुबह भगवान के वचन करते हुए घूमते फिरते हैं लेकिन श्रम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हिंदू कहे वो राम प्यारा, तुर्क तो कहे नहीं माना। हिंदू राम को प्यारा मानते हैं, तुर्क को ईमान नहीं को मानते हैं। आपस में दो नरी नरी हुए मरण तय का हो जाना, दोनों आपस में पूर्व लड़ते रहते हैं लेकिन जो वास्तविक सत्य उसको कोई नहीं जान सकता। घर घर मंत्र देव वित्त महिमा के विमाना, यानी श्रम को भगवान समझ कर घर घर मंत्र, ऐसे गुरु भी देखे हैं जो मंत्र देते फिरते श्रम को भगवान कहते हैं। गुरु के सहित शिष्य से बुढ़े अंतकाल में स्थान, ऐसे गुरु के साथ वो शिष्य भी अंतकाल में प्रस्थाते हैं, यानी वो भी इस संसार में डूब जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु ही मरम बुलाना, एति का ही नहीं माने सहजे से समाना। वो कहता कि वो कितनी बार समझा लूं लेकिन इनके समझ में नहीं आती। भगवान को केवल सहज भाव के साथ मिलते हैं। आशा करता हूँ बच्चों कि आपके जो कबीरदास जी के पंक्ति को समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।